करते हैं एंड वो हम लोगों को ये सेशन ज्वाइन कराया उन्होंने। नरेंद्र सर, यस सर। प्लीज स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज वी सी डैट, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं इस बात को लेकर कि व्हाट विल बी द राइट टाइम टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। जहाँ तक हमको याद है, हम लोग सब लोग स्कूल में एक बार बात कर चुके हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग आवर सिस्टम का कि ये हम लोग का कैरियर लॉन्चर है, और कैरियर लॉन्चर ऑल इंडिया ब्रांड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प कोचिंग और फाउंडेशन क्लासेस 11, 12 फॉर द क्लैट एंट्रेंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और आज हम लोग को ओवर अ वेबिनार ज्वाइन करने का एक बेसिक आइडिया है, बिकॉज आप जिस क्लास में हैं वो काफ़ी क्रूशियल टाइम है रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। क्योंकि कहता है कि ये एकदम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि परफेक्ट टाइम है जहां आपको सोच लेना है कि करना क्या है। ऐसा इसलिए कि कहता है कि अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट रिजल्ट जाएंगे, और पहले स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर टाइम पर रिजल्ट लेंगे। और दूसरी बात है कि सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहली बात तो हम लोग फोकस करें कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन विच यू कैन परस्यू आफ्टर क्लास 12, एंड सेकेंड थिंग कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्कसिंग दिट एट दिस पॉइंट। दो बात पर हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा क्लास 12 के बाद क्या होना चाहिए, क्या कैरियर ऑप्ट करें, क्या सही रास्ता होगा, और कौन सा प्रॉमिसिंग कैरियर है, कितना हम गेन करेंगे इकोनॉमिकली सक्सेस के तौर पर, पर्सनल सेटिस्फैक्शन सब कुछ कंसिडर करते हुए। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि क्या सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि आप हमारे VVRS क्लास 10th बैच है, तो आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जो आपके पास आउट बैच हैं उनके साथ मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी, इवन फॉर 1 or 2 क्लास, जहाँ उनको ये नहीं पता था कि करना क्या है। अब आप सोचें, और मेरी बात कब हुई उनसे, एट द एंड ऑफ द क्लास 10th। तो जब आप देख रहे थे कि उनका क्लास 10th अंत होने वाला था और अब वो 12 में गए, उस समय उनको डिसाइडेड नहीं था कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर मान ले कि इस तरह से कंसिडर करें कि आपके पैरेलल में कोई बच्चा है जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई कोटा में पढ़ रहा है, उसको 9th से पता है कि मुझे करना क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आप 2 साल पीछे हो जाएंगे। मीन्स कि जो आपके पैरेलल तैयारी करने वाला है वो शायद 2 साल पहले से ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा, दीज आर द बेसिक अट्रैक्टिव कैरियर्स एंड वी हैव टू गो थ्रू लाइक दिस, और वो आपसे काफ़ी आगे निकल चुका। और मैं प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के टच में था, अब फाइनली उनके पास आउट से पहले मेरी बात हुई है बहुत सारे बच्चों से, और उनका सबसे बड़ा समस्या था कि अब क्या करना है। और हमको ऐसा लगता है कि आफ्टर क्लास 10th अगर हम सोचते हैं अब क्या करना है तो ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट 2 ईयर। बट एसेंशियली कहता है कि ऐसा नहीं होगा कि सर हमको 9th में पता नहीं था तो क्या 10th के बाद मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना है। बट हम ये कह रहे हैं कि अगर हमको पता है कि दीज आर द कैरियर ऑप्शन, दिस इज द वे वी हैव टू गो थ्रू इट, तो काफ़ी आसान हो जाए आगे रिजल्ट्स के लिए या आगे आपके सक्सेस के लिए। सो ये जो हम लोग वेबिनार अरेंज किए हैं, सबसे बेसिक आइडिया हम लोग का ये है कि आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट डेवलप किया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर ऑप्शन विच यू कैन चूज आफ्टर क्लास 12, पहली बात, और दूसरी बात कि हाउ कैन यू गेट थ्रू इट ईजिली, सेकेंड थिंग, और तीसरा क्या कि वेदर दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट और नॉट। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि हम बहुत बार ऐसा वेबिनार और सेमिनार में डिस्कस किया है, तो 9th 10th के बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो मेरे पास रेलेवेंट है ही नहीं क्योंकि ये तो कैरियर 12 के बाद स्टार्ट होगी। दूसरी बात कि आप ऐसा सोचेंगे कि हाउ कैन आई, इन द 10th क्लास हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस सवाल को फेस किए कि हाउ कैन आई मैनेज द बोथ द थिंग, दैट इज प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलॉन्ग विद द बोर्ड्स। सो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपके क्वेरीज का जवाब देंगे रिगार्डिंग सेशन
regarding career or what will be the correct way to approach these things, how to go in a better way for preparation. तो सबसे पहली बात ये कहें कि वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट. ऐसा नहीं है कि ओनली विच कैरियर ऑप्शन यू हैव टू डिसाइड विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, नॉलेज और लाइक और डिसलाइक. सेकेंड थिंग क्या है कि क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में हैं जहाँ की लॉट मोर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और हम लोग क्या किए कि उसमें से कुछ अच्छा जो प्रॉमिसिंग है वो कलेक्ट करके आपके सामने लाने की कोशिश की है. ऐसा नहीं है कि दीज आर द ओनली कैरियर ऑप्शन विच वी हैव डिस्कस्ड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इतना ही प्रोफेशन है दुनिया में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट ये कह सकते हैं कि इतना अच्छा प्रॉमिसिंग एंड हाई पेड एंडिंग जॉब्स होंगे, ये चीज़. और दूसरी बात, एक और मोटिव है हम लोग का कि वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट, गो फॉर अ ब्रॉडर थिंग. वी हैव सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, कहीं भी काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं ये पता करना. सो वन बाय वन आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस द डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस. एक आप क्या कहे, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनना, जो कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, चाहे वो साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, जहाँ की बेसिक कोर्स होंगे आपके यूजी और पीजी, बीबीए और एमबीए. इम्पोर्टेंस बहुत है इस पोस्ट का. आप बेसिकली कहे कि बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. सेकेंड थिंग, लॉ प्रोफेशनल. लॉ प्रोफेशन में आप जा सकते हो थ्रू एन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट, और आप एक बेटर कैरियर ऑप्शन के तौर पे इसको देख सकते हैं. यहाँ भी एक प्रॉपर कंपटीशन है जिसके बारे में हम लोग जब ऑर्गेनाइज करेंगे क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या होगा मोड ऑफ एग्ज़ाम, कैसे है, क्या पैटर्न है. बट करेंटली हम जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वन ऑफ द प्रॉमिसिंग कैरियर विच यू कैन परस्यू आफ्टर क्लास 12 इज लॉ प्रोफेशन, जो कि स्किल का डिमांड करेगा, आपके एजुकेशनल लेवल, कम्युनिकेटिव स्किल और इन सब पे बेस्ड होगा. बट करेंटली माई आइडिया इज टू जस्ट एन इन्फॉर्म यू दैट बिसाइड वट वी हैव लर्न इन आवर सोसाइटी और इन आवर सराउंडिंग, दैट we have three primary career option, doctor, engineer or IAS. Despite that, n numbers of career options are present which ensure you are successful and promising life, in which first we have discussed about the management professional who are the backbone of the company, managing all the affairs of the company, and for that academic degree ke concern mein baat kare to BBA or MBA, bachelor's in business administration and master's in business administration. सेकेंड कहा कि कॉरपोरेट लॉयर बनना, कंपनी के लिए लॉयर रहना, बैंक के लिए लॉयर रहना, तो कहा कि लॉ प्रोफेशन का प्रोस्पेक्ट बदल गया है. इन द रिसेंट डेज लॉ बन गया आपका बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैरियर. पहले भी था बट एज अ यंगस्टर ज्वाइन करना काफ़ी बेनिफिशियल रहा है इसमें. थर्ड कहा यू कैन बी अ इन्वेस्टमेंट बैंकर और सी ए चार्टर अकाउंटेंट को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं. जब हम लोग की क्लास में बात हो रही थी उस समय भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर क्या सिर्फ जेई मेन और नीट ही ऑप्शन है. हम बताए थे आपको कि ऐसा नहीं है. आप किसी भी फील्ड में, प्राइमरी ये है कि व्हाट आई हैव टू डिसाइड इज़ टू एक्सेल इन एनी फील्ड. और किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी बात है उस चीज़ को जानना, प्रॉपर अवेयरनेस, कब स्टार्ट करें, कब एंड करें, कितना लेबर डिमांड है, कितना फोकस चाहिए, क्या रास्ता है, सब कुछ. और उसका सबसे बेसिक आइडिया क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको पता ही नहीं है कि क्लैट जैसा कुछ होता है, मतलब ड्यूरिंग माय स्टडी टाइम बेसिकली मेरे पास तीन ही आइडिया था, आइदर यू कैन बी अ डॉक्टर और इंजीनियर और अ आईएएस. इफ़ आई वुड हैव बीन नोइंग दैट कि क्लैट में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मे बी आज हम क्लैट ऑप्ट करते या एनडीए ऑप्ट करते, कुछ भी ऐसा जो और ज़्यादा हमको लगता है कि बेनिफिशियल या मेरे लाइक के अकॉर्डिंग. तो इनिशियली हम लोग चाहे कि क्लास 10th एक क्रूशियल टाइम पीरियड है जहां बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए कि व्हाट आई हैव टू बिकम आफ्टर क्लास 12 शुड बी डिसाइडेड एट 10th. और डिसाइड करने का या समझने का या गोल फिक्स करने का सबसे बेसिक आइडिया है यू हैव टू अवेयर अबाउट योर ऑप्शंस. अगर हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो हम लोग के पास सेलेक्शन का टाइम नहीं रहेगा कि हाउ कैन यू सेलेक्ट कि क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है.
और अगर मान लीजिए आप बाकी लोगों से 2 साल या 3 साल, और इवन हम तो 12 भी कंसिडर करते हैं कि मीन्स एक इंसान है जो 9th में डिसाइड किया कि दीज आर द कैरियर ऑप्शन, आई नो दैट आई हैव इंटरेस्ट इन दिस, आई एम गोइंग टू परस्यू दिस, तो वो आदमी आपसे 4 साल अहेड है इन कंपैरिजन टू यू व्हेन यू क्वालिफाई क्लास 12, फिर आप देखना स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12. सो आवर अटेम्प्ट इज टू मेक यू अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स योर अचीवमेंट. अगर आपको अचीवर बनना है तो आपको बेटर अवेयर होना चाहिए. सो द नेक्स्ट इज दैट यू कैन ज्वाइन ऑयल एंड नेचुरल सेक्टर प्रोफेशनल, एज अ इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ मरीन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ जियोलॉजिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिस्ट रोल, आपको बिजनेस को बढ़ाना, कहा कि हर एक बिजनेस के लिए क्या कहता है कि बिजनेस एनालिस्ट अपने IQ और लॉजिकल माइंड से कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के काम आएगा. ये भी आप कह सकते हैं समहाउ रिलेटेड टू दैट MBA और BBA, रोल इनका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. उस और मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल मोस्ट ऑफ अस इसके बारे में जानते हैं ज़्यादातर लोग, और इन एडिशन टू फर्दर हम लोग इस पर अलग से एक प्रोग्राम वेबिनार रखेंगे जहाँ कि NEET के एग्ज़ाम पैटर्न से लेके पढ़ाई का तरीका, नंबर ऑफ स्टडी आर, सब कुछ डिस्कस करेंगे. बट करेंटली अगर हम करेंट सिनेरियो देखें तो मेडिकल प्रोफेशनल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कहें, बैकबोन कहें, या उससे ज़्यादा कहें कि बिना इनके अर्थ पे सर्वाइव करना मुश्किल, ऐसा है. मतलब प्रॉमिसिंग विथ रिस्पेक्ट टू सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड सैलरी, सब कुछ है इसमें. आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, सक्सेस भी एहसास रहेगा, आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे बिकॉज यू आर सर्विंग द अदर फॉर सेविंग देयर लाइफ, एंड सैलरी तो अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी तो है ही. बट इनिशियली मेडिकल प्रोफेशनल का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है सेटिस्फैक्शन. मीन्स कि व्हेन यू सर्व अ पीपल और लाइक दैट, अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं तो समझिए कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में धरती का भगवान कहा जाता है. और मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट कि मेडिकल मेडिसिन फील्ड में जाने का सबसे बेसिक एग्ज़ाम NEET है, और हम लोग कभी सेपरेटली NEET पर डिस्कशन रखेंगे और ये बताएंगे कि हाउ कैन यू प्रोसीड फ्रॉम योर क्लास 10th ऑनवर्ड्स टू क्वालिफाई NEET इन फर्स्ट चांस आफ्टर क्लास 12. क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे सीनियर हैं जिनको रिपीट लेना पड़ता, और वो कहते क्या है कि मेडिकल में रिपीट लेना ही पड़ता है. ऐसा नहीं होगा अगर हम सही टाइम से और सही अप्रोच से आगे बढ़ेंगे. अदर देखें आप मार्केटिंग प्रोफेशनल, IT एंड सॉफ्टवेयर का, जो अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उसका बैकग्राउंड तैयार करने वाला इंजीनियर होगा IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके लिए आप JEE मेंस एंड एडवांस द बेस्ट कैरियर ऑप्शन, JEE एडवांस. फर्दर कहा कि सम ऑफ द कैरियर ऑप्शन, कुछ ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो अभी के टाइम में है, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू है या डिजिटल वर्ल्ड के कारण है. जैसा कि आप कहे कि एक देख रहे हैं हम लोग ग्रोथ हैकर. ग्रोथ हैकिंग क्या कहता है कि ये मार्केटिंग का ध्यान रखेगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस फॉर अ कम्युनिटी. ग्रेजुएट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए किसी भी कैरियर के लिए, आपका स्किल और मेंटल एबिलिटी, ये चीज़ आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा या आपकी एफिशिएंसी हेल्प करेगी फॉर अ कंपनी टू फॉर इट्स ग्रोथ. सेकंड थिंग देखें टेक्निकल राइटिंग. हम लोग सब लोग अडोब रीडर पढ़े हैं, ओरेकल जानते हैं, अडोब तो हम लोग बहुत बार यूज़ किए. तो कहता है कि यो प्रोग्रामर बनना या इन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग से फ्रेंडली बनाना, कि हम लोग क्या करते हैं जस्ट डाउनलोड एंड अडोब और फिर से काम स्टार्ट, कि PDF पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं. बट हम लोग को ये सोचना है कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड जो इस चीज़ को इतना सिंपलर बना रहा है कि डाउनलोड एंड अडोब एंड इट कैन रीड द डिफरेंट फॉर्मेट्स. आप स्कैन करके डालो तब भी पढ़ लेगा, PDF पहले से प्रेजेंट है तब भी एंटायर बुक पढ़ सकता है, अडोब मार्क कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है. तो कहीं ये सारा चीज़ जो इस टेक्निकल थिंग को आपके लिए आसान बना, तो वो काम आप कह सकते हैं मे बी एज एन इंजीनियर और विथ सम एक्सपर्टीज इन दिस एरिया आप इसको एज अ टेक्निकल राइटर ज्वाइन कर सकते हो. फिर सोशल मीडिया मैनेजर, फिर आप देखेंगे SEO एनालिस्ट. तो ये सारा क्या कहें कि कलेक्टिवली इस सब को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं बार बार कि हम लोग करंट टाइम में हम लोग n नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानते हैं, और जो बहुत फेमस है Facebook, Insta और सब कुछ, और ई कॉमर्स वर्ल्ड सबको पता है.
बिना फ्लिपकार्ट अमेजोन के हम लोग का कोई शॉपिंग कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि इन सारे चीज़ को सोचिए, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो हाउ दीज थिंग्स आर ऑर्गेनाइज, कैसे आपके लाइक डिसलाइक, आपके फिल्टर, आपके सिलेक्शन हर चीज़ को मॉनिटर करता है। इवन अ सेलेक्टेड प्रोडक्ट मीन्स अगर आपको कॉपी या पेन खरीदना है, आप एक बार फ्लिपकार्ट के सर्च करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, फिर सजेशन दिखेगा, क्या अप्रोप्रिएट है वो दिखता है, रेटिंग दिखता है, कैसे खरीदे, कब डिलीवर। तो क्या कि बहुत सारे लोग लगे हैं इस बात के पीछे, आपकी लाइक डिसलाइक, हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस यू, हाउ अस कंपनी और अ मीडिया और अ पर्सन विल बी इन अ इन फेम कहें, इन हाईलाइट कहें ओवर अ सोशल मीडिया। तो क्या कि इन सारे चीज़ के पीछे एक टेक्निकल पर्सन लग रहा है जो आप बन सकते हो विथ योर टेक्निकल नॉलेज। सो एक बात इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने से एक बात क्लियर रखना है कि अभी का टाइम में कुछ नॉन कन्वेंशनल कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ऐसा कहें कि द न्यू कैरियर ऑप्शन विच इज जेनरेटेड ड्यू टू डिजिटल वर्ल्ड, ऐसा इनके बारे में बात करें। और कुछ तो हम लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है, और एक जो हम लोग को काफ़ी वो कर लगता है वो गेमर बनना। इवन एक अच्छा प्रॉपर इंजीनियर जो डेवलपर है वो गेमिंग कंपनी से जुड़ के बहुत अच्छा कमा रहा है। तो क्या कि अभी के समय हम लोग को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बस करना क्या है कि अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि जो हमको चाहिए उसमें हमको एक्सेल करना है। मतलब आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ टॉपर इन एनी फील्ड, ऐसा कन्वेंशनली नहीं कि भाई आप PCM या PCB पढ़े तभी आप अच्छे आदमी हैं। आप कुछ भी ना पढ़ें और सोचें कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तब भी आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इफ़ आई हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट कब सोचना है और कैसे चलना है, सवाल यहाँ अटक रहा है। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपके पास दो ही कैरियर ऑप्शन है, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरियर ऑप्शन, बट ओनली वन थिंग, यू हैव टू ब्रॉडन योर आइडिया, गेट स्टार्टेड एट द राइट टाइम एंड पेव योर वे अकॉर्डिंग टू योर कैरियर। कहता है कि वी हैव टू इंक्रीज आवर डायमेंशन ऑफ थॉट प्रोसेस दैट कि फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलवेज यूज अ गूगल फॉर सर्चिंग एनी क्वेश्चन टू बिकम अ पर्सन हु ऑलवेज असिस्ट अ गूगल एंड हेल्प अदर टू सर्च द थिंग्स। ऐसा कुछ कहता है कि आप सोचो कि आइडिया या कॉन्सेप्ट या सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि बिना गूगल के हम लोग कुछ भी नहीं करते। जैसे कोई भी डाउट आए, गो फॉर अ गूगल, आप एक छोटा सर्च भी गूगल की हेल्प से कर रहे हैं, इवन फॉर अ पॉपुलेशन, इवन फॉर अ प्लेस, फॉर ईटिंग प्लेस, कुछ भी। गूगल का गूगल जो काम कर रहा है तो गूगल के पीछे भी तो कोई होगा, तो कोई क्यों, कोई के साथ हम ही क्यों नहीं। तो कहता थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वाई वुड यू नीड टू वर्क एट अ वट यू नीड टू डू टू वर्क एट अ गूगल, आप क्या करेंगे कि गूगल पे काम मिले, मे बी अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ बेटर डिज़ाइनर और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू देयर वर्क। सो मेरा आइडिया ये है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है सोच को ब्रॉड करके, कि क्योंकि अभी जिस एरा में है वहाँ हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। बट एक बात हमेशा मार्क रहेगा कि डिस्पाइट वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शन, ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन अ पोजिशन वेयर यू विल गेट रिकॉग्निशन। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं तो हम लोग कैजुअली बढ़ेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि जो परसेप्शन है किसी चीज़ का और जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक, सिमिलरली कहे कि वी कैन वर्क फॉर अ फेसबुक, हम लोग सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सबको पता है वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। तो कहता है हु इज़ द मैन बिहाइंड और वाई नॉट मी, ऐसा सोचेंगे तभी तो फिर रास्ता खोजना स्टार्ट करेंगे कि हाउ कैन वी वर्क ओवर अ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, मैकेंसी। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या सर क्लास 10th में ही सब कुछ पॉसिबल है, आंसर है नहीं। लेकिन कहा कि क्या 10th में सोचना ज़रूरी है, आंसर है यस। ऐसा नहीं होगा कि क्लास 10th में ही हम गूगल में चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरा टारगेट फिक्स होगा तो हम उस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगे जैसा कि जो बनना है उसी तरह से जीना है। सो
कहता है कि अगर आप कॉन्साइज देखें फॉर अ डिफरेंट स्ट्रीम एट क्लास 12, वी हैव दीज आर द मेजर कैरियर ऑप्शंस कि यू कैन बी अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, लॉ कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मास कॉम में जा सकते हैं, मीडिया, बी कॉम, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और सीए। मीन्स इन अ नटसेल वी हैव ट्राई टू कॉन्साइज डिफरेंट कैरियर ऑप्शन, बट स्टिल आई एम एम्फेसाइजिंग दैट दीज आर नॉट ओनली द कैरियर ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कहा कि दीज आर द ओनली कैरियर विच आई कैन सेलेक्ट। आंसर है नो, दीज आर द प्रोमिसिंग कैरियर विच हैव बीन गिविंग अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ टू सो मेनी पर्सन इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री। सो वी हैव सेलेक्टेड बेस्ट ऑफ द ऑल एंड वी हैव पुट फॉर ओवर यू। सिंपल बात है कि अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा है जो 12 के बाद सोचना स्टार्ट करेगा और मे भी थोड़ा और डिले हो जाए तो कितने लोग से पीछे चला जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, स्पेशली अ डेवलपिंग कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। हमारे यहाँ नंबर ऑफ सीट टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट है। मीन समटाइम्स अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ लैक्स ऑफ स्टूडेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ सीट, ऐसा रेशियो है। और मे बी कभी कभी तो ऐसा एग्जाम दिखेगा जहाँ कि आपको पर 10,000 एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। और ऐसे कंडीशन में सिलेक्शन लेना मीन्स आपको चीज़ों को कुछ अलग तरह से सोचना हो। और फिर वही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि क्या सर जो 10th के बाद सोचा उसका नहीं हुआ क्या? होगा, बट क्या जो 10th से पहले सोचा, 9th में सोचा, 8th में सोचा, 10th में सोचा, उन दोनों के रैंक में डिफरेंस आया? ये हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस से और इतने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस की हेल्प से बता सकते हैं। और 10th एक बहुत क्रूशियल क्लास है क्योंकि 10th आपका आगे सब कुछ डिसाइड करेगा। लाइक कि 10th में आपके एकेडमिक्स 12th तक अफेक्ट करेगी, और अगर 10th का एकेडमिक्स अच्छा है तो ऑब्वियसली 12th विल बी इजियर एंड कॉम्पिटिशन आसान होगा, ठीक है। और एक सिंपल बात है कि हर इंसान का बिना लक्ष्य का इंसान आगे बढ़े तो कहीं नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कहा कि ये डिसाइड करना ज़रूरी है। अब डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए? अवेयरनेस। अवेयरनेस है तभी तो हम उस पर थॉट प्रोसेस आएगी, और थॉट प्रोसेस आएगा तो आप उसके लिए रास्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल बात है, हैव अ गोल एंड पेव द पाथ। सीधा बात है, डिसाइड करिए करना क्या है और फिर रास्ता अपने आप खोजिए कि क्या क्या रास्ता हो सकता है वहाँ तक पहुँचने का। अब एक सिंपल बात है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ये टॉपिक कि हम लोग देखें कि वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। बस एक सिंपल बात है, इस एग्जाम्पल से हम लोग बस थॉट प्रोसेस की बात करें या थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करें कि हाउ वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। और दूसरी चीज़ कि वी हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी थिंग विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। लाइक कहा कि एक सिंपल एग्जाम्पल है, मेरे पास 2000 का नोट है जिस पे एक स्ट्रिप बना है और बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि व्हाट इज द स्ट्रिप इज़ फॉर। मींस यू हैवन थिंक ओवर दैट, यू हैवन थिंक इन अ डिफरेंट वे, आपने कैजुअली लिया। और इस एग्जांपल को यहाँ रखने का बस एक बेसिक आइडिया है, गो फॉर अ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन विच इज़ अराउंड यू, ताकि आप फिर आगे बेटर रिजल्ट ला सकें। सिंपल बात है, वी हैव अ सिक्योरिटी थ्रेड ओवर द 2000 नोट जिसमें कि कलर पैटर्न है और हम लोग पहचान पाते हैं असली और नकली नोट का टिल्ट करके। और एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी सी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ऐसा कुछ। और या दूसरे तरह से इसको देखें कि जो हम देख रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट को समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम सामने से जो समझने की कोशिश करें मे बी वो वैसा ना हो अगर आप सुपरफिशियली किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं तो। कहता है कि सॉफ्ट सा दिखने वाला एग भी बियर कर सकता है 24 केजी ऑफ वेट इन एन अपराइट पोजीशन एंड 40 केजी फ्रॉम अ साइड। सोचिए कि हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एग तो बहुत सॉफ्ट है, मींस वी कैन इजीली क्रैक इट। और पता चला क्या कि जिस एग को हम लोग सोच रहे थे ऐसा, वो सच नहीं था। सो फॉर एनी थिंग वी हैव टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ताकि हम सही रास्ते से चलें। और
इसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है कि द सॉफ्टेस्ट थिंग या द थिंग विच यू कैन थिंक दैट कैन बी इजिली क्रैक्ड हैव ऑल्सो पोटेंशियल टू बियर सच अ वेट. सो क्या कहता है कि इन टर्म्स ऑफ कैरियर अगर इसको आगे बढ़ाए तो कहता है कि वॉट एवर मे बी द कैरियर वी शुड नो प्रॉपरली और वी शुड अवेयर इन डेप्थ हाउ टू गेट इट. क्योंकि अगर आप दूर से किसी चीज़ को देखेंगे तो जो लाइटर परसेप्शन होगा वही आएगा, जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तभी हम लोग बता सकते कि और क्या क्या है इसमें. सिर प्रीवियसली वी हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट कैरियर ऑप्शन एंड अ डिफरेंट अप्रोच वाई वी नीड टू थिंक ओवर दैट. नाउ लेट अस डिस्कस सर्टेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंटल एबिलिटी. हम लोग को पता है कि मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कभी भी किसी को हायर करना है, चाहे कंपनी की जॉब हो, इंजीनियरिंग जॉब हो, सब लोग ये चाहते हैं कि गेट अ पर्सन हु कैन ईजिली गेट थ्रू एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और सिंपल कहें कि बेटर अडेप्टेबल पर्सन विथ अ साउंड माइंड सारे एग्जाम के लिए चाहिए. और इवन हम लोग कितनी बार ये डिबेट सुने हैं कि देर शुड बी एन मेंटल एबिलिटी टेस्ट इन IIT एग्जाम. अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, मे बी कभी आ जाए, बट याद रखिएगा आफ्टर दैट कहीं भी किसी भी लेवल पे, चाहे आपको MBA करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, UPSC करना है, हर एक एग्जाम में मेंटल एबिलिटी है. क्यों? क्योंकि कहा प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है. और प्रेजेंस ऑफ माइंड और अडेप्टेबिलिटी ऑफ माइंड चेक करने का तरीका क्या है? टू गो थ्रू आर डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर मेंटल एबिलिटी. उसके एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे हम लोग दो बात समझेंगे कि क्या फ़ायदा है टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स बिफोर या अहेड ऑफ द अदर्स. लाइक एक सवाल बनता है वेन डायग्राम का. अब वेन डायग्राम है क्या? आप डायग्राम में देख रहे होंगे क्योंकि वेन डायग्राम एक इलस्ट्रेशन है जहाँ कि हम लोग सर्कल्स का यूज़ करते हैं. और सर्कल्स का यूज़ किस लिए करते हैं? टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग थिंग्स और फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स. कहता है कि ये सर्कल्स जो है ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. और कहा कि जहाँ कॉमन होगा कुछ वहाँ सर्कल्स ओवरलैप करेंगे और जहाँ कॉमन नहीं होगा वहाँ ऐसा नहीं होगा. कहता है कि वेन अ सर्कल ओवरलैप तो उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन है, और अगर सर्कल ओवरलैप नहीं किया तो उनके बीच कॉमन ट्रेड्स नहीं है. दूसरी बात कहता है यूजुअली ये आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताता है. कहा कि आप क्या किए कि कुछ थिंग्स थे, कुछ फाइनाइट इंफॉर्मेशन थे या कुछ सामान था जिसको कि हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे, और कहा हर एक को एक सर्कल दिया गया टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ. और कहा अब सर्कल का पैटर्न ऐसा है कि मे बी समटाइम्स वी हैव एन ओवरलैपिंग सर्कल वन ओवर द अदर, एंड समटाइम्स ऐसा होगा कि सब अलग अलग होंगे. तो क्या जब ओवरलैपिंग सर्कल होगा तो हम लोग माने कि ये क्या है आपका कॉमन शो कर रहा है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, और जब ऐसा नहीं है तो डिफरेंस शो कर रहा है. सो एग्जाम्पल नंबर वन में देखे, कहा कि एक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा है कि देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन सेकेंड मिनट एंड आर. आर सबसे बड़ा यूनिट था तो सबसे बाहर, बड़ा सी, फिर बी और फिर ए, मीन सेकेंड कैन सेकेंड को ऐड करके आप मिनट और मिनट से घंटा बना सकते हैं. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखे किसका, टेबल चेयर एंड फर्नीचर. क्या कहता है कि बोथ टेबल एंड चेयर आर कम अंडर अ ग्रुप फर्नीचर, इसीलिए एक बड़ा सर्कल सी ड्रॉ किया. और चेयर और टेबल दोनों डिफरेंट है बाय स्ट्रक्चर, तो दोनों को अलग अलग सर्कल में ड्रॉ किया. उसी तरह आप यहाँ देखें डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, या एग्जाम्पल नंबर फोर. बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स और वेन डायग्राम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे यू हैव एन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि विच वेन डायग्राम इज करेक्टली रिप्रेजेंट. आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये एक मेंटल एबिलिटी का सवाल है जहां हम लोग चीज़ों को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. और का इफ देयर इज एनी कॉमन थिंग और सिमिलैरिटी बिटवीन द टू दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवरलैपिंग सर्कल, एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे कि वो लोग डिफरेंट सर्कल से रिप्रेजेंट करें. कोशिश करिएगा आंसर बताने का क्या होगा ऑप्शन. फाइव और फोर
फोर फोर किसका आंसर है? फोर एकदम फोर करेक्ट फोर आंसर। हाँ फोर करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है फोर करेक्ट आंसर है जो इन तीनों के रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। पेंटिंग अ वेन डायग्राम वन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, वापस से रिकनेक्ट करता है। देखिए ना क्या कहा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर, जहाँ की हम लोग सर्कल और वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द दीज थ्री। सेकंड क्या है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी गेट इन अ मेंटल एबिलिटी टाइप इज ऑफ डायरेक्शन। ये चार बेसिक डायरेक्शन से तो हम लोग सारे अवेयर हैं। और क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। डायरेक्शंस को हम लोग एक मिनट देख लें, डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग सब लोग अवेयर हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक सवाल होगा सिंपल सा, ये कहना कि अ मैन इज फेसिंग अ नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज and then another 90 in the same direction, which direction is he facing? क्या होगा इसका आंसर? आप आसानी से इसका आंसर बताएं, इसलिए एक बार हम लोग डायरेक्शन वाली स्लाइड देख ले कि these are the major directions, और फिर ये है आपका सवाल। कोई भी ट्राई करेंगे? साउथ साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए क्या है आपका कि इनिशियली अलोंग द ओए थे, फिर आप 90 डिग्री लिए तो आपका डायरेक्शन हो गया ओ बी, और फिर कहता है वहाँ से सीधा रिवर्स डायरेक्शन लिया आपने, क्या होगा फिर से पहुँच गए टू द ओ सी, और फिर यहाँ से 90 डिग्री टू द ओ डी। ठीक है, और ऐसा ही एक और सिमिलर टाइप है एनालॉजी, जहाँ की हम लोग सिमिलैरिटी ड्रॉ करके आंसर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या कहता है, शू इज रिलेटेड टू लेदर एंड रबर इज रिलेटेड टू चप्पल और लेटेक्स। और लेटेक्स, देखिए यहाँ जो लेटेक्स बोला वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एनालॉजी में हम लोग को क्या देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे शू और लेदर में क्या रिलेशन था, एक प्रोडक्ट था और एक रॉ मटेरियल था, कि लेदर कैन बी यूज टू बिल्ड अ शू। सिमिलरली रबड़ के लिए क्या कहा, लेटेक्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट विल यूज टू बिल्ड अ रबड़। ऐसे ही कहा कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन का चेंज, कहे जो भी चप्पल बोले वो क्या सोचे कि आप उसका यूज से आप आंसर किए, जबकि क्वेश्चन हम लोग को क्या सिखाया, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेटल्स, मेटल सही है, वर्कर एंड प्रोडक्ट। सो कारपेंटर के साथ फर्नीचर, तो इसके साथ ये, तो क्या ये सारा आप सिंपल क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो विथ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या कि आप सोचिए कि अगर बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया और आप इसका आंसर बता सकते हैं अहेड ऑफ द अदर्स, तो सोचिए अगर हम लोग पूरी पढ़ाई को इस पैटर्न पे ले जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके कैरियर में आप एडवांस होंगे बाकी लोगों से। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाटर इज रिलेटेड टू आयरन। आयरन सही है सब, आयरन हाँ करेक्ट आंसर है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने का एक बेसिक आइडिया था कि इफ वी आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, तो सोचिए जब आपका एग्जाम होगा 6 या 8 महीने बाद तो आप कितना बेटर परफॉर्म कर सकेंगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। लेकिन एक कंडीशन मानिए कि हमने कभी ऐसा सवाल देखा ही नहीं और सीधे नवंबर के मंथ में आप एनटीएससी एग्जाम में चले गए, क्या परफॉर्मेंस वैसा होगा? अकॉर्डिंग टू मी लगता है कि शायद वैसा परफॉर्मेंस ना हो। तो हमेशा एम्फेसिस दिया गया कि वी हैव टू बी अवेयर। जैसे ही अवेयर होइएगा
आप सीखिएगा तो लोगों से एडवांस जाइएगा, और जब एक्चुअल टाइम होगा तो हमेशा बेटर परफॉर्म करिएगा। यही एकमात्र बेसिक आइडिया है। अब सवाल कहता है कि इनिशियली हम लोग बहुत अलग अलग कैरियर ऑप्शंस डिस्कस किया जो कि क्लास 12 में, तो क्या किस तरह से हम उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और बेसिक टर्म हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं सेलेक्ट हो जाए आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स के बीच में, या कहे कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट के बीच में हमको आना है थाउजेंड्स में। और ऐसा नहीं है कि दीज सिचुएशन आर क्रिएटेड बाय अस, दिस इज द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड वी हैव टू मेक स्पेस। वैसा ही जैसे डार्विन सिखाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और अगर नेचर में ये सवाल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वहाँ ये भी सिखाया गया हाउ टू अडेप्ट टू बिकम अ फिटेस्ट। तो हमारी ये जो प्लानिंग है कि स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 9th, स्टार्ट फ्रॉम द क्लास 10th, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 9th, 10th रिलेटेड विद द हायर क्लास, ये सारा क्या है? अडेप्टेशन। किस लिए? अपने प्रिवेलिंग सिचुएशन में फिटेस्ट बनने के। और आप कहे कि क्या ये ज़रूरी है, तो कहिए आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि आपको मिलेगा एक प्रोमिसिंग सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री कैरियर। और ऐसा एक और डाउट क्लियर कर लेना है कि ऐसा करने वाले आप पहले नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं अदर स्कूल में, अदर प्लेसेस में, कोटा में, वो कर रहे हैं। तो अगर आप रह जाएंगे तो पता चला कि आप सबसे पीछे हैं। इसीलिए कहता है कि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द वे बाय विच यू आर गोइंग टू गेट दैट एक्साइटिंग करियर आफ्टर क्लास 12। और हम लोग एक बहुत सिंपल बात सिखाते हैं अर्ली स्टार्ट की। अर्ली स्टार्ट हमेशा बेनिफिशियल होगा, चाहे आप किसी भी एग्जांपल से पढ़ लो, ठीक है? अगर मान लीजिए कि अपने क्लास में कुछ ऐसा बच्चा होगा जो पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रखा होगा, या एक सिचुएशन मानिए कि आप क्लास 9th में क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिए, तो जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आप करेंगे रिवीजन और बाकी लोग स्टार्ट करेगा लर्निंग या सीखना, फर्स्ट टाइम अवेयरनेस स्टार्ट करेगा और आप रिवाइज करेंगे। ऑलवेज आप उससे बेटर प्लेस पर होंगे क्योंकि आप उस चीज़ को फिर और रिफाइन और बेटर वे में कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी बात है क्या कि इवन अगर ब्रेन पैटर्न्स की बात करें तो ब्रेन पैटर्न्स भी रिपीटेडली एनकाउंटर से बनता है, जैसे आपके घर का रास्ता, आपके स्कूल आने का रास्ता, या आपके मार्केट जाने का चीज़। इनिशियली कहीं भी किसी नए जगह पे जाते हैं तो आपको उस रास्ते को मॉनिटर करना पड़ता है, और फिर उसी जगह पे जब आपको दोबारा भेजते हैं तो आप इजीली बिना किसी गाइड, बिना किसी से पूछे चले जाएं। तो वही चीज़ है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर हम क्लास 8, 9, 10 में पढ़ लें और वही सेम कॉन्सेप्ट जब रिपीट होगा क्लास 12 और 11 में, तो मेरे लिए वो उस रास्ते की तरह होगा जिसको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है? और इन दैट केस अब आप सोचो कि आपको हम एक टाइम दिए कि यू हैव 30 मिनट्स, और कहा कि आपको एक जगह प्लेस ए से प्लेस बी पे जाना है। आप क्या किए कि आपको पहले से हम बता दिए, तो आपने क्या किया कि एक दिन पहले शाम में गए, प्लेस ए से प्लेस बी का रास्ता मेज़र किए कितनी दूरी पर है, स्पीड डिसाइड किए कि किस स्पीड से चलना है, और अगले दिन आप गए और 30 मिनट्स में उस जगह को कवर किए। और एक दूसरा इंसान होगा जो उसी दिन पहली बार उस रास्ते को देखेगा, मे भी उसको पता होगा, बट क्या पता उसका पेस वैसा नहीं होगा जो चाहिए टू गेट देयर। सो एकदम सिंपल सा बात है, एकदम स्ट्रेट बात हम लोग करते हैं कि अगर ब्रेन बिहेवियर की बात करें तब भी, सोशली बात करें तब भी, नेचुरल वे में समझे तब भी, किसी भी तरह शुरुआत जल्दी करने वाला ही सही टाइम पर अच्छे रिजल्ट्स की बात करेगा। और इवन हम कहते हैं कि नॉट ओनली द रिजल्ट, इट विल डिस्कशन ऑफ अ रैंक। आप देखते हैं, रैंकर देखते हैं, हमेशा कहता है रैंक 1, रैंक 2, फुल मार्क्स 720 आउट ऑफ 720, 360 आउट ऑफ 360। आप सोचो क्या इतनी एक्यूरेसी एक दिन में आती है क्या? क्योंकि जो रैंक 1 था जेई में 2016 में, वो क्लास 9th ऑनवर्ड्स सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ रहा था, और तब आ जाके फुल में फुल मार्क्स लाए। ऐसा नहीं है कि वी आर प्रेशराइजिंग यू कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कहा कि हाँ अगर हम किसी चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं तो क्यों ना उसको सही तरीके से करें, कि मेरा ऑप्ट करना हमको एकदम सक्सेस पर ले जाके रोके, ये नहीं कि मिडवे में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं,
फिर एग्जाम टफ माने, फिर उस समय सोचेंगे कि क्या हम गलत स्ट्रेटेजी से बढ़े या नहीं। तो क्या इन सारे सवाल का एक सिंपल जवाब है कि व्हाई नॉट यू डिसाइड व्हाट टू बिकम एंड डिसाइड हाउ टू बिकम। सिंपल है, कहता है कि व्हाई क्लास 8 इज क्रूशियल, व्हाई क्लास 9 और 10 इज क्रूशियल। तो हम लोग क्लास 10 की बात करें, क्लास 10 क्यों क्रूशियल है, देखिए कि क्लास 10 में आपको इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स के सिलेबस में, और सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैट है क्लास 12। अब मेरा ये कहना है कि इफ अ पर्सन इज इन क्लास 10 हैव अ सेम सेट ऑफ आईक्यू एंड ब्रेन, व्हाई नॉट ही रीड दैट कॉन्सेप्ट अप टू क्लास 12। आप इस तरह से सोचें कि क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मान लीजिए कि इस चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, हम 2 घंटा ना देके इस चैप्टर को 10 घंटे देंगे और क्लास 12 तक कवर करेंगे। हमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस जो बेस है फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कि उस पर कैरियर टिका सके, बिल्कुल वैसा ही। और इसी चीज़ को देखकर ही तो आप देखिए सिलेबस भी डिजाइन किया गया। सिलेबस वाले भी इस बात को जानते थे कि क्या ये हो सकता है रास्ता आगे अच्छे से चलने का, जहाँ की क्लास 10 का सिलेबस मैच करता था क्लास 12 से। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक तो सिंपल बात कि यू वुड बी इन टच ऑफ सच अ पर्सन विच कैन गेट यू टू दैट लेवल। मतलब अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं फॉर अ बायोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इन क्लास 10th, क्लास 12 एंड इन मेडिसिन। तो क्या हम लोग को मेडिसिन तक नहीं जाना है, बस इस तरह से प्रोसीड करना है कि अच्छा क्लास 10th में ह्यूमन फिजियोलॉजी अप टू दिस ग्रेड, क्लास 12 में हमको यहाँ तक पढ़ना है, तो व्हाई नॉट वी गिव 1 or 2 hours मोर। और फॉर अ लेक्चर आप कहें तो एज अ टीचर हम कहें कि इफ़ आई कंप्लीट द क्लास 10th सिलेबस इन 4 lectures, इफ़ वी गेट 6 to 10 lectures और सम अदर मोर, देन वी विल कम्प्लीट दैट सिलेबस अप टू 12। और मेरा ये कहना है कि एक साल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा माइंड में, कि माइंड तैयार हो जाएगा क्लास 12, माइंड वही रहेगा, ट्रेन करना है, ठीक है। और ट्रेन ऐसे करना है कि जिस कंटेंट का मेरा रिलेशन है हायर क्लास से, उसको यहीं पर बहुत अच्छे से पढ़ देना है, कि जब वहाँ पहुँचे तो हमारे पास कंटेंट का भी लोड कम हो और वहाँ पर हम बाकी लोगों से आगे रहें। यही सेम एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की गई है फॉर द चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, कि हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। एंड अप्रोच की अगर बात करें तो अगर आप ऐसे देखें कि 10th में ही 12 का पढ़ लें, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरबर्डन हो जाए, बस जो पढ़ रहे हैं उसी को उस लेवल से पढ़ लें कि वहाँ जाके आसान। उसके बाद कहता है कि हमारे पास कुछ सर्टेन एग्जाम्स हैं आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का, एक बेसिक आइडिया। दूसरा बेसिक आइडिया आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, और तीसरा आपके माइंड को इस तरह से तैयार करने का कि आई कैन क्रैक एनी एग्जाम विच आई एम गोइंग टू फेस इन फर्दर लाइफ, दैट इज आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर मास्टर्स। बेसिकली जब आप कभी जूनियर लेवल पे, इवन आप सोचो कि अगर आप अपने स्कूल टॉपर हो, तब भी आपको ऐसा अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है, लगता है कि आई एम द वन पर्सन हु एक्सेल अमंग द 200। और सोचिए ऐसा ही माइंडसेट अगर आप में आ जाए थ्रू अ एग्जाम कि आई एम द वन हु इज इन द टॉप 2000 इन अमंग द 10 lakhs स्टूडेंट, तो उस समय जो पॉजिटिविटी होगी या उस समय जो आपका माइंडसेट होगा, जो प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका होगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और इसीलिए नॉट फॉर द एग्जाम, not for the scholarship, only for your development of brain or development of approach or method to proceed through approach, NTSC exam important है। NTSC का importance अगर मेरे point of view से देखें तो it will give you recognition, confidence और boost करेगा आपको for the further exam। और during my teaching experience हम ऐसा देखे हैं कि जितने बच्चे NTSC scholar रहे हैं वो सारे जेई मेन और नीट में जगह बना पाए। और अगर हम ये कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर कोई ये कहे कि हमें नहीं जाना नीट में, बट एक बात है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो सारे काम को करवाती है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो आप उस लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो CA के लिए हो या NTSC के लिए हो, या आप बात करें
क्लैट का हो, नेट हो, मेन हो, कुछ भी हो, बेसिक आइडिया है, नॉट टेक इट एज एन एग्जाम, टेक इट एज एन बूस्टर सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ एन पॉजिटिव अप्रोच. बहुत सारे लेक्चर्स हैं इस पर, पॉजिटिव अप्रोच, कॉन्फिडेंस, इन सब से क्या होना है आप खुद भी समझ सकते हैं. कि अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में आप एक सब्जेक्ट में लगातार कम मार्क्स ला रहे और अचानक ऐसा हुआ कि एक सेमेस्टर में आपको 95 प्लस आ गया, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सेम पर्सन जो कम मार्क्स ला रहा था और 95 लाया तो चेंज आ गया. तो चेंज आ गया तो हमको क्या करना है, उस चेंज को मेंटेन करना. तो यहाँ NTSC के साथ क्या होगा कि आप देखेंगे कि आई एम द पर्सन इन द क्लास 10th, आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक इन ऑल इंडिया. कितने लोगों में? अमंग 10 लाख. फिर कहता है कि फिर JEE मेन या NEET क्या है, वैसा ही एक एग्ज़ाम है जहाँ 10 से 15 लाख लोग बैठेंगे और मुझे जगह बनाना है, और क्या मेरे लिए आसान होगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं. अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2000 रुपीज़ है अप टू PhD लेवल. तो क्या मनी के टर्म्स में ना देखें इसको, रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस बूस्टर, माइंडसेट चेंजर, इस तरह से देखें. और या ऐसे कहे कि दिस विल प्रिपेयर यू अ पर्सन हु इज ऑलवेज विलिंग टू हैव विलिंग टू कम्पीट अमंग द कम्पीट विद द अदर्स. और आप अगर एक नेशनल रैंक लाते हैं तो उसकी जो कॉन्फिडेंस है कि आई एम एग्जिस्टिंग इन द एकेडमिक वर्ल्ड अमंग द 10 लाख्स, अमंग द 15 लाख्स, इस तरह से. पेपर पैटर्न पे हम लोग का डिस्कशन हो रखा है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर वन इज़ फॉर मेंटल एबिलिटी, जिसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कहा मेंटल एबिलिटी आपको हर एक लेवल में मिलेगा. और हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि आइदर यू हैव टू गो फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, मेंटल एबिलिटी इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ. और दिस इज़ द बेस्ट टाइम, नॉट फॉर NTSC. आप कहें कि हमको नहीं जाना साइंस में, नहीं करना NTSC, बट क्या कोई ऐसा बच्चा है जो चाहेगा कि मेरा दिमाग अच्छे से काम ना करे? हमको नहीं लगता कि अगर किसी को आर्ट्स पढ़ना है तो वो चाहेगा कि मेरा IQ कम हो जाए, या किसी को कॉमर्स पढ़ना है तो वो चाहेगा मेरा IQ कम हो जाए. तो क्या ओनली फॉर दिस? आप सोचिए कि एक बच्चा है जो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पहली बार ये चीज़ बनाना स्टार्ट किया और फिर जनरल कॉम्पिटिशन में गया, और एक आप होंगे जो अपने इस जूनियर लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो एडवांस प्रॉब्लम्स अप्रोच करते रहेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो आपने स्कूल में ही ख़त्म कर लिया. तो मेंटल एबिलिटी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप किसी भी चीज़ को, तैयारी को, एग्ज़ाम तो है ही क्रैक करना, बट आप उस प्रोसेस को समझिए कि वो प्रोसेस आप में क्या चेंज लाएगा. क्या इफ़ समवन स्टडी सोशल साइंस इन डिटेल, मेंटल एबिलिटी विथ इंटरेस्ट, तो आपको लगता नहीं कि ही इज़ ऑल्सो साइड बाई साइड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ जनरल कॉम्पिटिशन? मीन्स इन केस इफ यू आर नॉट गोइंग इन अ साइंस स्ट्रीम, तब भी. या मान लीजिए आपने बीटेक किया, आपको कंपनी सिलेक्शन के लिए बैठना है, टेक्निकल पेपर्स इतने हैं अलॉन्ग विथ मेंटल एबिलिटी, तो आपको मेंटल एबिलिटी से रिलैक्स करिए, ये तो हमने 10th में ही सीख रखा था, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल पेपर्स. याद रखें, फॉर एवरी कैंपस सिलेक्शन वी हैव टू गिव अ IQ टेस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस. ठीक है, तो NTSC के लिए आप 3-4 एस्पेक्ट समझ सकते हो. एक बेसिक जो सरकार डिज़ाइन की, सिंपल स्कॉलरशिप एंड एन एग्ज़ाम, और दूसरा कि रिकॉग्निशन एग्ज़ाम, और तीसरा अ कॉन्फिडेंस बूस्ट. कॉन्फिडेंस बूस्टर इसलिए क्योंकि आगे चल के भी हमको बहुत सारे ऑल इंडिया एग्जाम्स में बैठना है. तो आप सोचें कि आपने क्या कहा कि आई एम द पर्सन हु हैव गेट एन ऑल इंडिया रैंक इन अ जस्ट क्लास 10th, जहाँ सब लोग बोर्ड में घूम रहे थे, बोर्ड के सिलेबस से परेशान थे, खेलने में टाइम लगा रखे. ऐसा नहीं कहता कि खेलना नहीं है, लेकिन कहा कि उस समय आप एक रिकॉग्निशन पाए इन एकेडमिक वर्ल्ड. नेक्स्ट कहता है कि इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक साइंटिस्ट, इन सिंपल वर्ड्स कि आपको हायर स्टडीज़ करना है अच्छे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से विथ एन प्रॉपर स्कॉलरशिप, तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम है ओलंपियाड. ओलंपियाड के लिए एक मेरा सजेशन है कि ओलंपियाड क्या है कि आई हैव अ इन डेप्थ नॉलेज विद दैट सब्जेक्ट, क्योंकि इसका मेन मोटो ही यही है कि सेलेक्ट द स्कॉलर्स हु आर मोर इंटरेस्टेड इन वर्क फॉर बेसिक साइंस. उसी में देखिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड है,
छः स्टेजेस में होता है, दो स्टेज हमारे कंट्री बेस्ड हैं और रेस्ट आपका आगे इंटरनेशनल स्टेजेस है इसमें, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, बियॉन्ड सिलेबस समटाइम्स हम कहते हैं बियॉन्ड सिलेबस, क्योंकि ये है थॉट प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ओलंपियाड का सवाल बहुत टफ आता है, कहता है गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट, अप्लाई इट प्रॉपरली। ओलंपियाड का डिमांड ये है कि आपके क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि बहुत अजीबोगजीब होगा, क्वेश्चंस वही होगा, बस सवाल ये है। और साइंस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी सिखाया गया कि जितनी भी डिस्कवरी है वो सब बेसिक्स को ही कंसिडर करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि इफ अ पर्सन इज अवेलेबल इंटरेस्टेड इन दिस तो आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड या जूनियर साइंस ओलंपियाड इन सब के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और देखिए यहाँ ये कंप्लीट इसमें सब कुछ पूछा जाता है एनएससी जेएस में, पीसीएमबी, क्योंकि इसमें 9 to 12 तक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो 9 वाले में भी कुछ 12 तक के कॉन्सेप्ट हैं। अब ये है इसका लीनियर आइडिया कि आई हैव टू सिट फॉर द ओलंपियाड एंड गेट इट क्वालिफाइड। इसका एक और एस्पेक्ट है कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन ओलंपियाड मींस इन क्लास 9 एंड 10 आई एम गेटिंग अप टू दैट लेवल व्हिच इज गिवन इन द क्लास 12। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रयास भी अच्छे मन से किए, पूरी सतर्कता से पूरा इनपुट डाल के, तो ये प्रयास आपको 12 के बाद एक अच्छे जगह पर बैठा सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि अगर डेडिकेटेड तैयारी किए तो ओलंपियाड नहीं होगा। इवन अ स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड स्टेज 2 ओलंपियाड हैव सिक्योर्ड अ बेटर रैंक इन नीट एंड जेई। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ नॉर्मली देखें कि अगर आप किसी भी चीज़ को एडवांस में कवर करते हैं, एडवांस में कवर करते हैं मतलब कि आप 10th में हैं और आप 12th तक पढ़ रखें, तो आपको लगता है क्या कि जब आप 12th में जाएंगे तो उसको एडवांस और आगे पढ़ेंगे कि हम तो यहाँ तक जान गए अब आगे क्या होगा। तो कहते हैं ओलंपियाड के दो एस्पेक्ट पर हम हमेशा स्टूडेंट लोग से बात करना चाहते हैं कि एक तो है कि सेलेक्ट द बेस्ट अमंग दोज हु वांट टू वर्क फॉर अ बेसिक साइंस, मतलब जिसको साइंटिस्ट बनना है इन अ सिंपल सेंस। और दूसरा क्या कहता है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हो इसकी, तो इसके क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा है कि आप एक इससे लोअर स्टैंडर्ड एग्जाम दैट इज जेई एंड नीट इसके अच्छे रैंक के दावेदार होंगे। और ऐसे देखें कि आप 9 और 10th में क्लास 11 और 12 के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, मींस जब आप 11 12 में जाएंगे तो अपने काउंटर पार्ट से बहुत आगे होंगे, मींस एट अ कॉम्पिटिटिव एज। और फाइनली आपको चाहिए एक बेटर रैंक विच मे बी अमंग द टॉप 100। ऐसा तो एक बात है कि प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम हैव ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स, मींस That preparation will make you a different student from the other. ऐसा नहीं है कि सर ने कहा कि NTSC के लिए तैयारी करो तो वो NTSC के बाद वो तैयारी, वो प्रोसेस, वो मेहनत डिलीट हो जाएगा। अगर NTSC की तैयारी में मेंटल एबिलिटी सीख लिए तो वो हमारे थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा, जितना कि आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा। कहता है कि अगर हम सक्सेस की बात करें तो क्या सक्सेस ऐसा नहीं है कि सोचे और आ गया। वही बात है इनिशियली कि आपको गोल फिक्स करना है, सही डायरेक्शन अडॉप्ट करना है, इनिशिएटिव एंड एटीट्यूड दो मेजर वर्ड हम लोग यहाँ पर प्लेस किए हैं कि आप अगर किसी का देखे हैं कि समवन ही और सी हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन जेई मेन, तो ऐसा नहीं है कि ही हैव ड्रीम फॉर इट्स रैंक 1। ऐसा नहीं होगा कि हम 100 रैंक या 100 रैंक या 10 रैंक का सपना देखेंगे और वो मिल जाएगा। कहता है कि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन की जो बात होगी वो एक जर्नी है, और उस जर्नी में चाहिए सेक्रीफाइसेस, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, फिर भी लगातार लगे रहना है, परसिस्टेंस। जैसे अ पर्सन हु रीच द एवरेस्ट हाइट, ऐसा नहीं होगा कि वो सपने में देखेगा कि हम एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके बैठा रहेगा। लगातार कोशिश करेगा, ट्रेनिंग लेगा, बैड वेदर्स फेस करेगा, हो सकता है कभी चढ़ ना पाए, फिर भी अगर नहीं हारेगा तो मे भी एक दिन फतह करेगा और पहुंच जाएगा। वही चीज़ समझाने की कोशिश है कि जब भी आप सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस नीड अ लॉट मोर एफर्ट इन योर जर्नी, लाइक गुड हैबिट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। बहुत छोटी छोटी बात है, आप खुद ऑब्जर्व करते होगे स्कूल में, क्लास में, हॉस्टल में, कि जो लड़का फर्स्ट करता है उसकी स्टडी आर आपसे ज़्यादा होगी,
आप ही के क्लास में है, आपके साथ पढ़ता है, लेकिन उसका बिहेवियर अलग है। और एकदम बेसिक बात है, जो बनना है वैसे ही जीना होगा। मींस अगर आपको किसी टफ कैरियर में जाना, आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तो आपको उतना टाइम ऑफ स्टडी आवर देना होगा जितना डिमांड है। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट नाइट आई हैव ड्रीम टू बिकम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड आफ्टर फाइव ईयर आई विल बी अ चार्टर अकाउंटेंट। नहीं, फॉर दीज फाइव ईयर्स आई हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली विथ अ रेगुलर एफर्ट एंड इन अ राइट डायरेक्शन टू बिकम दैट। इस तरह से चलना होगा। कहता है लास्ट थिंग जिसके लिए हम लोग अभी डिस्कशन में है कि किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब कहा क्योंकि कॉम्पिटिटिव टाइम है, टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो फिर आती है रोल फॉर एन इंस्ट्रक्टर, फैकल्टी और अ टीचर। क्यों ऐसा? क्योंकि यू हैव बीन इन दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर टीचिंग दिस क्लास फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर। बस इतना ही डिफरेंस है कि आप इस क्लास में पहली बार आए हैं और हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या रोल होगा कि हम कहेंगे कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ओलंपियाड, दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द मटेरियल्स एंड दीज आर द टेस्ट, फॉलो अस एंड गेट थ्रू इट। तो कहता है कि कैरियर लॉन्चर फाउंडेशन कोर्स चलाता है आपकी मदद करने के लिए, और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, एक प्रॉपर क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, फिर आप कहते हैं एक्सक्लूसिव कोर्स अलग अलग पढ़ाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मेरे टर्म्स में हर एग्ज़ाम अपने लिए एक दूसरे से अलग है। मतलब एक कॉमन भाषा में कहें तो जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है और जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, दोनों दो बात है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है। अगर हम अपने रेफरेंस में बात करें तो बोर्ड और NTSC अलग है। क्यों? एक है क्वालिफाइंग, एक है सिलेक्शन। आपको बोर्ड में कहता है कि आपको जस्ट यू हैव टू गेट अ पास मार्क्स एंड गेट थ्रू द नेक्स्ट क्लास, जबकि NTSC में कहता है नहीं, यू हैव टू मेक अ प्लेस। बोर्ड में कभी ऐसा नहीं कहता यू हैव टू मेक अ प्लेस। बोर्ड कहता है ओके, यू आर इन क्लास 10, गो थ्रू दिस एग्जाम एंड यू आर क्वालिफाइड, यू हैव सर्टिफिकेशन। हमेशा याद रखना, सर्टिफिकेशन कोर्स एंड सेलेक्शन एग्जाम आर टू डिफरेंट थिंग। तो वैसे ही कहता है कि हम लोगों ने डिफाइन किया या डिज़ाइन किया, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड एवरी एग्जाम हैज अ सेपरेट अप्रोच। अगर आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अलग बात है, IGSO के लिए अलग है, ओलंपियाड के लिए अलग है, और फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अ बेटर टेस्टेड माइंड इज ऑलवेज परफॉर्म बेटर। मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज, चाहे वो बोर्ड की बात हो, NTSC की बात हो, ओलंपियाड की बात हो। क्योंकि बहुत बार जब आप जैसे जैसे आगे पढ़िएगा, आपको ये बात समझ में आएगी कि चीज़ें वैसी नहीं रहती पेपर में जैसा बुक में रहता। क्योंकि आप सोचो, अगर ऐसा रहता तो फिर क्या वो सिलेक्शन एग्ज़ाम हो पाता? कहता हम लोग क्या करते हैं कि आप जो किताब में पढ़े उसको इस तरह से पूछे कि यू कैन अप्लाई दैट एंड गेट द आंसर। ऐसा नहीं होगा कि किताब में पढ़े और सीधे आंसर। इसीलिए एक रेगुलर टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट एनी स्टेज। आप किसी से पूछ लेना, आपके भैया दीदी जो भी पास किए होंगे नीट में, JEE मेन में, क्लैट में, या किसी और एग्ज़ाम में, MBA में, रेलवे में, बैंकिंग में, सब जगह आप एक बात कॉमन है कि आपके पास एक रेगुलर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। एंड फाइनली 24/7 फैकल्टी सपोर्ट इन केस ऑफ एनी डाउट, द फ्री काउंसलिंग सेशन। जब भी मन करे कि हमको ये बनना है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या अप्रोच होगा, तो उसके लिए हम लोग रेडली अवेलेबल हैं। करेंटली हम लोग के पास 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, जो इस बात को फोकस करता हुआ आगे बढ़ाएगा कि इन द क्लास 10th वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10th अलॉन्ग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट और द एसेंशियल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लास 11 एंड 12। ड्यूरिंग इंट्रैक्शन इन क्लास, आपके क्लास में भी जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर मुझे नीट करना है, क्या करना चाहिए। और याद होगा आपको शायद मेरा सजेशन था कि जाओ NCERT उठाओ क्लास 12 का और कॉमन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप एक बर्डन ना हो, और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि आप एडवांटेजियस सिचुएशन में रहें। तो इसलिए क्या कहा कि आपको एक ऐसे कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया जहां बेसिक्स अलॉन्ग विथ एडवांस, सो दैट आप आसानी से एक्सेल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई रिक्वेस्ट राहुल सर
to unmute the student so that they can ask their doubt. And they are unmuted. They are unmuted, ठीक एक मिनट. अगर आपको किसी को कोई डाउट पूछना है, बोथ ऑफ अस आर अवेलेबल विथ यू, मी एंड विवेक सर, वी कैन आंसर योर क्वेरी विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर, एग्जाम पैटर्न, अप्रोच और एनीथिंग, इवन अ क्वेश्चन लाइक वेदर दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस और नॉट, या कहें कि क्या जरूरी है अभी से पढ़ाई करना, या अभी पर कैसा अप्रोच होना चाहिए फॉर द फॉर फ्यूचर या फर्दर कैरियर ऑप्शंस. कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं जानता भी हूँ, जिनसे बात हुई है मेरी स्कूल में भी, और अगर आपको कोई भी डाउट है एकदम फ्रीली आराम से डिस्कस कर सकते हैं. अभी आपके लिए सेशन ओपन कर दिया गया है, किसी को कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग क्या एग्जाम पैटर्न ऑफ द एग्जाम, वे टू अप्रोच दैट एग्जाम, व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट इज द डेप्थ. और इसलिए हम लोगों ने अपने स्लाइड में आपको एक वाला एग्जाम्पल रखा था कि द थिंग्स विच लुक्स ईजियर और सॉफ्टर इज नॉट लाइक दैट. इसीलिए कहा कि अगर ऐसा लगता है कि जेई मेन या एडवांस ऐसे हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं होगी. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज यू कैन आस्क एनी रिलेवेंट क्वेश्चन और एनी थिंग विच कम्स इन योर माइंड, मी एंड विवेक सिन्हा सर will answer to your questions. Please proceed further. Anyone? बिना हेजिटेशन के जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें सवाल पूछ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही होने चाहिए सवाल, आप किसी भी भाषा में जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे सवाल पूछ सकते हैं. बट एक बेसिक बात है कि हम लोग को किसी भी तरह का डाउट में नहीं रहना चाहिए कि क्या ये सही होगा, क्या गलत होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, जो भी बात है वो बात कर सकते हैं. या ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, ऑफलाइन में क्या चेंज आएगा, या एग्ज़ाम को लेके हमको किस तरह से डिफरेंट मोड अपनाना है पढ़ने का, स्टडी आर क्या होगी, कुछ भी. सर हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि सर कोई भी यूनिवर्सिटी हो जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, सब वो सब करेक्ट प्लेस सर, आईआईटी सब तैयारी करने के लिए आफ्टर टेंथ? यस सर, आफ्टर टेंथ. देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो आप यूनिवर्सिटी, वो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा आईआईटी का अप्रोच अलग है, मतलब जिस लेवल से पढ़ाई करना है इसके लिए थोड़ा आपको एग्जॉस्टिव और ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए. ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा विवेक सर से, ही इज एन आईआईटी. Who can emphasize on this? Vivek sir. Sir, आपकी साउंड नहीं आ रही है विवेक सर. Okay, so yes sir, I can clarify the question. He is asking that if he is studying in a university like BHU, whether it is good or he should opt for a coaching study for IIT. See, I mean, coaching is not required as long as you are able to do the level of studies which is required. Okay, so agar aapko lagta hai ki you are the best person and you can do everything on your own, please go ahead and do it. ओके हमारे टाइम पे अगर देखें, हम 15 साल 20 साल पहले हम लोगों ने तैयारी की, हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया, राइट. हमारे टाइम पे शायद कोचिंग का उतना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, हम लोगों ने खुद से पढ़ाई की थी, राइट. आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. हाउएवर राइट, चैलेंज क्या आता है बच्चों कि see now when you are doing on your own, you have to understand what is the kind of preparation I need to do, what are the material that I am going to source, what is the kind of questions that I need to practice, what is the kind of mock test that I need to do. Ab ye sab, and the competition is becoming tough day by day because there are a lot of students who are taking advice or support or some kind of assistance from some professionals,
okay? So that is where the coaching becomes important. Why? Because coaching mein jitne log hote hain, jitne teachers hote hain, jitne log involved hote hain, hum logon ne kya kiya hua hai, wo sara ka sara cheez customize karke aapke samne ek platter mein aapko present karte hain, so that you don't have to struggle in finding out all those relevant things which is required for you to study. However, to answer to your question, if you think that you are able to do it yourself, irrespective of whichever university you are in or whichever college or school you are in, if you are able to do it yourself, please go ahead and do it. But ek cheez hamesha dhyan rakhna, doubts aapke hamesha clear hone chahiye. It can be anybody in your family who can clarify your doubts, somebody in your school or college who can clarify your doubt, but doubt must be clarified then and there, because if you keep your doubts pending, that will always remain as a doubt, or aap shayad apne doubt ko hi bhool jaoge. Okay, so yahi mera advice hoga, theek hai, ki agar aap kar sakte ho to bilkul self study karke kar lo. However, main kisi bhi university ko ye nahi bol sakta hu ki that is the best university which takes care of everything. It is up to the student or a particular individual. जो अगर वो खुद मैनेज कर सकता है, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट. ओके, सो नरेंद्र सर, आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन. यस सर. एनी अदर स्टूडेंट हु हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन गो फॉर इट. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो अभी, क्योंकि हम लोग अभी पूरा टाइम स्पेयर किया फॉर द डिस्कशन ओनली. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. और जहाँ तक मैं आप लोग को जानता हूँ, यू हैव लॉट मोर क्वेश्चन, क्लास में भी बात हुई है, बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे बच्चों के. मैं कुछ जनरल सवाल भी बाद में आंसर कर दूंगा, बट अगर आप मोर प्रिसाइजली पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. देखो बच्चों, हमारे साथ शांतनु सर भी हैं, हमारे साथ विवेक सर भी हैं, तो इनका एक्सपर्टीज भी है इस फील्ड में. पिछले 25 साल से करियर लॉन्चर इस फील्ड में ही काम कर रहा है. तो कोई भी क्वेरी है प्लीज़ पूछ लो, सर लोग हैं साथ में अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, बट हेजिटेट नहीं करना है. हमेशा रहेंगे जब भी कोई डाउट आएगा, बट अगर आप हेजिटेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम आप अपने तक होल्ड कर लेंगे. मे बी हमारी एक्सपीरियंस आपको उस तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे. ठीक है एनीवन? और एक बात बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्वेश्चन पूछने का मोड क्या होगा. सवाल बस रहना चाहिए. आइदर यू कैन आस्क इन इंग्लिश और इन हिंदी, वट एवर मे बी द कम्फर्टेबल लैंग्वेज फॉर यू. सर सर, जेई मींस एडवांस टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रूटीन? विवेक सर, आवाज ठीक से नहीं आई, दोबारा बोलिए प्लीज. व्हाट विल बी द स्टडी टाइमिंग फॉर जेई मेन एंड एडवांस, हाउ मच टाइम ही शुड स्पेंड इन अ डे? या सो देखो, स्टडी टाइम का मतलब होता है सेल्फ स्टडी टाइम. ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. हाँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप समझ पाओगे, है ना, और इसको आप कोरिलेट करने की कोशिश करना. लेट्स से दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर. ओके, सो कैन आई बिकम अ सिंगर जस्ट बाई लिसनिंग टू सॉन्ग? है ना, ऑब्वियसली द आंसर इज नो. मुझे खुद से रियाज करना पड़ेगा, राइट? तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो. आप स्कूल जा रहे हो, है ना, टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. आप कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे आपको टीचर्स गाइड कर रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? अब इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद, है ना, जब तक आप कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 5 hours ऑन एन एवरेज एवरी डे, है ना, फॉर 2 years. ओके, अगर आप 5 घंटे से स्टार्ट करोगे तो वो सडनली जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, वो अपने आप 8 से 9 घंटे 10 घंटे हो जाएगा, आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा, है ना. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑन एन एवरेज आप 5 घंटा पर डे के हिसाब से स्टार्ट करो, ग्रेजुअली आप वो टाइम अपने आप इंक्रीज करते चले जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड है, है ना, कि मतलब आपको 8 घंटे पढ़ाई करने हैं, 10 घंटे पढ़ाई करने हैं.
आपको ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है. लेट्स से एक चैप्टर पढ़ाया गया क्लास में, राइट. सो व्हेन आई कम बैक होम, व्हेन आई स्टार्ट माय सेल्फ स्टडी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो क्लास में पढ़ाया गया उसके नोट्स मुझे रिवाइज करने होंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जा करके उसके कॉन्टेंट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जितने सवाल हैं, है ना, कुछ तो टीचर्स सवाल आपको देंगे एज अ काइंड ऑफ होमवर्क और सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो आपको कंप्लीट करना होगा. एंड देन वट एवर क्वेश्चन आर गिवन इन द बुकलेट, जो आप एज अ रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, वो सारा सवाल बना लोगे. एंड देन यू कैन से कि ऑफ कोर्स माय वर्क इज डन, राइट. तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि दो से ढाई घंटे का पढ़ाई जो स्कूल में या कोचिंग में होता है उसको कम से कम डबल करना पड़ता है एज अ सेल्फ स्टडी ऑन एन एवरेज एवरी डे. दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, है ना. इसके अलावा अगर आपको लगता है मैं फिर भी पूरा काम नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ आवर्स. सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड एंड गेज योर परफॉर्मेंस, या फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको इस हिसाब से आप गेज करना शुरू करो, है ना, कि मेरा जो टास्क है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, है ना. ऑन एवरेज ये देखा गया है कि 3 घंटे का कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे में मैं कंप्लीट कर पाता हूँ. दिस इज हाउ यू शुड बी एमिंग एट. ओके, और कोई क्रिस को कोई डाउट नहीं है? कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जैसे आपके क्लासमेट्स ने पूछा है. बताएंगे रिगार्डिंग सेशन, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, स्टडी टाइम, टाइप ऑफ एग्जाम, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आए वो. और समटाइम्स एक बहुत जनरल डाउट रहता है कि वेदर ऑप्ट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट 10th लेवल अलॉन्ग विथ बोर्ड्स और नॉट, कि क्या बोर्ड की तैयारी और कंपटीशन साथ साथ चल सकता है यार. विवेक सर अगर इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करें. बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको कवर करना. तो बच्चों ये देखो, आप जैसे अभी आप क्लास 10th में हो, और जैसे ऐसे आप मतलब हर एक क्लास में अगर आपने देखा होगा तो पूरे एक साल का एक एकेडमिक ईयर होता है किसी भी क्लास का, क्लास 8th का हो, 9th का हो, या 10th में भी वैसे ही रहेगा आपका. आपने ये देखा होगा कि स्कूल ना बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, है ना. देर इज अ क्लास टेस्ट, देर इज अ यूनिट टेस्ट, देर इज अ टर्मिनल एग्जामिनेशन, एंड देन देर इज अ फाइनल एग्जामिनेशन. नाउ इसी को अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में बात करने की कोशिश करूँ, है ना, तो सबसे पहले अगर आप ये देखो कि वट इज़ योर अल्टीमेट गोल, है ना. तो अगर आप ये देखते हो कि योर अल्टीमेट गोल इज लेट्स से टू बिकम इंजीनियर, और लेट्स से टू बिकम अ डॉक्टर, और लेट्स से यू वांट टू बिकम अ लॉयर, व्हाटएवर, राइट. नाउ वो एक फाइनल एग्जाम होने वाला है जो होगा क्लास 12th के बाद. हाउएवर, है ना, ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं एट स्कूल लेवल, विच कैन बी NTSC, विच कैन बी ओलंपियाड्स, विच कैन बी होमी बाबा एग्जामिनेशन, ये सारे ना इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंड यू मस्ट अपियर इन दीज एग्जामिनेशन, एंड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड देन अपियर, है ना. बिकॉज ये एग्जाम में अपियर करने पे आपको पहला चीज तो ये पता लगेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम. एंड दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम विल बी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से होंगे, राइट. आपके शहर से होंगे, आपके स्टेट से होंगे, डिफरेंट स्टेट से होंगे, डिफरेंट सिटीज से होंगे, तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट. देखो एक चीज और समझने की कोशिश करो, हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है स्कूल का, राइट, वो होता है मोस्टली टू चेक योर इन्फॉर्मेशन, है ना. चेक योर इन्फॉर्मेशन का मतलब दे मोस्टली चेक वट एवर इज गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक वेदर यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट. हाउएवर अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो वो आपका इन्फॉर्मेशन कभी चेक नहीं करते हैं, वो आपका चेक करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट, एंड दैट इज वेयर इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ
एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल प्रिपरेशन. आपने अभी तक भी देखा होगा कितनी बारी, मतलब ये हमने भी किया है, आपने भी किया होगा बच्चों, है ना. एक टिपिकल सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, राइट. किसी भी एग्ज़ाम में जब स्कूल का एग्ज़ाम देकर आप आए होगे, या फिर ये अगले 4-5 महीने 6 महीने में डेफिनेटली होगा, बोर्ड एग्ज़ाम तक होगा, राइट. कि कोई एक सवाल पूछा जाएगा एंड आपसे वो सवाल नहीं बनेगा, राइट. एंड घर में आकर के पेरेंट्स जब पूछेंगे, पापा या मम्मी या टीचर्स पूछेंगे, तो हमारी ना एक आदत बनी हुई है, हम कह देते हैं कि ये सवाल ना आउट ऑफ सिलेबस था, है ना. हाउएवर व्हेन यू स्पीक टू योर टीचर, दे विल टेल यू कि बच्चे ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था और इसका आंसर इस तरह से निकलना था. जैसे ही कोई आपको गाइड करेगा ना, सडनली यू विल रियलाइज कि हाँ, ये तो मेरे से बन सकता था, बट मुझे ऐसा क्यों लगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, है ना. क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है, या स्कूल की जो पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई में सिर्फ हमें जो इन्फॉर्मेशन लेना होता है टेक्स्ट बुक का, वही हमें करना होता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेस्टेड इन द स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. एंड कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, राइट. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यू आर गोइंग टू कॉम्पीट. ओके, अगर इंजीनियरिंग की बात करोगे, है ना, जेई मेन और एडवांस, जेई मेन में तकरीबन 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, है ना. और आईआईटी के लिए 2.5 लाख बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और 2.5 लाख में से 16,000 बच्चों को सीट मिलती है आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए. जस्ट इमेजिन 12 लाख में से 16,000 बच्चे, दैट्स इट, राइट. नीट एग्जाम में क्या होता है, 16 लाख बच्चे अपेयर होते हैं. कितने बच्चों को मतलब MBBS करने के लिए सीट मिलती है, अगर मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करूंगा, तो 16 लाख में से तकरीबन 75,000 बच्चों को सिर्फ सीट्स मिलती हैं MBBS करने के लिए. और उसको मैं प्राइवेट इंक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ सरकारी बोलूंगा तो उसको भी हाफ कर दो, सिर्फ 35,000 सीट है सरकारी कॉलेज में, राइट. एंड योर टारगेट शुड बी टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट इनटू अ प्राइवेट कॉलेज, है ना. तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आप मेरे ख्याल से आपको अपना ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अपना कॉम्पिटिटिव एज चेंज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि यस, 10th में जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्या मैं 2-4 चीज़ और पढ़ के, क्या मैं, मेरे सामने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे ओलंपियाड्स हैं या फिर NTSC एग्ज़ाम है, इनका प्रिपरेशन करूं, इनका प्रिपरेशन करूंगा तो डेफिनेटली मुझे आगे फ़ायदा होने वाला है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, जो मैं 11th एंड 12th में पढ़ाई करूंगा तो उसमें मुझे उतनी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी एडवांस लेवल पे ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ाई कर ली है. ऑब्वियसली वही टॉपिक्स आप पढ़ोगे जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, बट डेफिनेटली एट अ मच मच हायर लेवल. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट विच इज इन प्लेस राइट नाउ, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज बच्चों, है ना. ये कम नहीं होने वाला है, सालों साल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए आप अपना तैयारी उस तरीके से करने की कोशिश करो. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स एंड इनफैक्ट द एंटायर टीम, करियर लॉन्चर टीम रिप्रेजेंटिंग पूर्णिया, बिकॉज आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. एटलीस्ट बच्चों की तरफ से भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट वो आए हैं और ये इस सेशन को सुन रहे हैं. एंड आई एम श्योर इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट कि हमें, और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में अब किस तरह से अपने आप को ढालना है, चेंज करना है, क्या 2-4 चीज़ें एडिशनल करनी है, है ना. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Yeah. Thank you, sir. Thank you for your answer, because it was a general doubt always when I used to take a seminar. Yeah. Most of the board appearing student complain for that, whether I can maintain my study parallelly or not. Absolutely. So yeah. That's why we have taken this question. And one doubt which I am experiencing, that some of the student is hesitating to join in an online class. Okay. So I wish to say them, yeah, if you can clarify ki how currently joining an online class will be beneficial. Okay. तो देखो बच्चों, एक चीज़ पहले समझने की कोशिश करो, है ना.
कि अभी क्या हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का, है ना। पहला चीज़ ये कि ऑप्शन शायद नहीं है, है ना। पैंडेमिक कब ओवर होगा ये शायद किसी को पता नहीं है, है ना। एंड सिचुएशन अभी डिफ़िकल्ट है। मोर ओवर, है ना, हमने देखा है बच्चों को 360 डिग्री शिफ्ट होते हुए ऑफलाइन से ऑनलाइन में, है ना। जैसे आप ये अगर वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो क्या आप अटेंड कर रहे हो मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, एंड जस्ट लाइक आप जैसे मूवी वॉच करते हो क्या उस तरह से अटेंड कर रहे हो, या फिर आपके सामने एक नोटबुक और पेन भी है, है ना। जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या आपने नोट किया कि नहीं किया, है ना। आई एम श्योर कुछ बच्चों ने किया होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। अंडरस्टैंड बच्चों कि ऑनलाइन क्लास को अगर आप पॉजिटिवली लेते हो एंड यू क्रिएट अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई? ऑनलाइन का एक और फायदा होता है कि इसमें एक्सपर्ट्स गाइडेंस आपको मिलता है, एंड देयर आर पीपल जो शायद आपके पास आकर के फिजिकली आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, बट हाउएवर ऑनलाइन में वो कहीं भी बैठे हैं, दे आर एबल टू एड्रेस यू। ठीक है, करेंटली आई एम इन मुंबई, है ना, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू। अंडरस्टैंड, है ना, अगर ये शायद कोविड नहीं होता तो शायद मैं मुंबई से ट्रैवल करके पूर्णिया आया होता, शायद मुझे एक से डेढ़ दिन पूरा लगता ट्रैवल करने में, राइट। एंड उसके बाद मैं आता एंड फिर मुझे वापस आना होता तो 3-4 दिन मेरा जाता। बट ऑनलाइन में क्या है, आई एम सिटिंग एट माई होम, यहाँ से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट एवरीथिंग टू यू, एंड आपको काफ़ी कुछ शायद समझ में आ रहा होगा। तो ऑनलाइन का आप ये हिसाब से देखो, पॉजिटिव लेकर देखो, ठीक है। हमेशा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो विथ अ काइंड ऑफ वन थिंग इन माइंड कि आई एम अटेंडिंग एज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्लासरूम, आई एम हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन इन फ्रंट ऑफ मी, वट एवर टीचर इज टीचिंग, वट एवर इम्पॉर्टेंट आई फील आई शुड बी राइटिंग इट डाउन, जैसे मैं एक्चुअल क्लास में करता हूँ, ऑनलाइन में भी मैं वही कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एबल टू डू इट तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जो गैप आपको नजर आ रहा है शायद वो निकल जाएगा। ये करके देखो बच्चों, आपको अपने आप इसमें शिफ्ट नजर आएगा। दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू एडवाइज ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you for your answer, sir. It will help them a lot. Prashant, sir. Sir. Thank you, sir. हम लोग अब session अब close करते हैं इसको. तो हम लोग form float कर देंगे. Over the MS team. बच्चों के. Rahul. Yes, sir. Rahul. Yes, sir. Within 5 minutes, I have already said in class 9. Now it will be said again. Okay. Thanks for all of you for joining. Thanks to teachers and students for joining our session. We are concluding here. और अगर आपको बाद में भी कोई doubt आए तो आप easily हम लोग से approach कर सकते हैं. Thank you, Vivek sir. Right. सिर्फ एक advice होगा sir. मैं बोलना चाहूँगा बच्चों को, चूँकि all the students are here. मेरा ये एडवाइस होगा कि NTSC एग्जाम यूजुअली नवंबर दिसंबर में होता है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, एंड जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में है, राइट? यस सर, 10th राइट। एंड इस एग्जाम का नोटिफिकेशन यूजुअली अगस्त में आ जाता है, ठीक है। तो मेरा एडवाइस होगा, है ना, नन ऑफ यू हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, है ना, मोस्टली तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि NTSC कोई एग्जाम भी होता है, है ना। आपको पता लग गया है तो आप में से कोई भी ये एग्जाम मिस मत करना, है ना। वेदर यू गो फॉर प्रिपरेशन और नॉट, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट डू नॉट मिस दिस एग्जाम, यू मस्ट अपियर इन दिस एग्जाम, राइट, एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर गेटिंग इन पूर्णिया राइट नाउ। ये पूरी एक्सपर्ट टीम है हमारी, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, दे हैव ऑल द मटेरियल सपोर्ट विच करियर लॉन्चर इज प्रोवाइडिंग, एंड वी हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 25 इयर्स इन दिस फील्ड, एंड वी हैव डन एवरीथिंग टू इंश्योर कि आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ है उसको हम अवेलेबल कर पाए, है ना। तो इस सर्विसेज का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ इट। That is all I have to say. So good luck to all of you. Wish you a very bright future ahead. Take care of yourself. Do not take this COVID for granted. Right? A situation काफी खराब है everywhere.
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कोशिश करो बाहर नहीं निकलो, घर पे ही रहो. दैट्स इट. आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इट वॉज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद एवरी वन. थैंक यू नरिंदर सर, योर सेशन वॉज रियली मोटिवेटिंग एंड आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू प्रशांत सर. थैंक यू विवेक. थैंक यू. थैंक यू. शांतनु सर. थैंक यू. राहुल सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स टू एवरीवन. थैंक यू सर.